सरकार क्या कह रही है? सरकार का मानना ये है कि कोविड के कारण कोई भी व्यक्ति का व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ, जो कि झूठ है पूरी तरह। अनुराग ठाकुर सरकार के मंत्री हैं, मंत्री का कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत में अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर कोविड का कोई असर नहीं पड़ा। मैं इसको मानकर राजी नहीं हूँ और मैं जानता हूँ आप सभी व्यापारी हैं, आप ईमानदारी से बताना क्या फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा कोविड का। अब सरकार किससे पूछ रही है ये नहीं मालूम मेरे को, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक जानकारी भेजी जाए। आपने जो फॉर्म भरा है वो जानकारी वित्त मंत्रालय को भेजी गई है, अभी मैं पीएमओ को भेजने जा रहा हूँ वो जानकारी। इस बार हमने पीएमओ को सारा डाटा भेजा और अब सारा डाटा पीएमओ को जाएगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि लोग परेशान हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि सबका लोन माफ़ कर दो, जिनका लोन माफ़ कर सकते उनका माफ़ कर दो, जिनके पास कमाने वाला ही कोई नहीं बचा यार, कोविड में बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए, अब उसके पास कोई कमाने वाले नहीं बचा, उनके बच्चों के सर से छत तो मत छीनो यार, कम से कम उनका लोन माफ़ कर दो। और जिनका माफ़ नहीं कर सकते उन्हें 2 साल का समय दे दो कि 2 साल तक वो अपना बिजनेस करें, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, पेनल्टी पर पेनल्टी लगाए जा रहे हैं, सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और सरकार भी इस बात को समझ रही है, समझेगी ही, लेकिन संख्या बल चाहिए हमें। अभी जब हम लोग 25,000 थे तो सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, जब ही संख्या 50,000 हुई तो सरकार को थोड़ा लगा कि लोग परेशान हैं। अभी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, आज की अगर डेट की बात करूँ लेटेस्ट 2,55,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया। सोचो जब ये संख्या 25 लाख हो जाएगी तब क्या होगा, जब ये 50 लाख हो जाएगी तब क्या होगा, जब ये 1 करोड़ हो जाएगी तो क्या होगा। सरकार को सबकी बात माननी पड़ेगी। और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग एक्सपायर करके उनका लोन माफ़ करो, जिनका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, उनका लोन माफ़ करो, जिनका व्यापार कम हो गया, उतनी कमाई नहीं है, उनको 2 साल का समय दो, और जो पेनल्टी सरचार्ज इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, जो अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन ले जाते हैं और वो लोग फिर धमकियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन के लोन बंद होने चाहिए। और लोगों ने, जो किसानों ने लोन लिया, उनकी फसल ख़राब हो जाती है और रीज़न है, उनका माफ़ होना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ किया गया है, उसको क्या करते हैं, नई टर्म ले आए हैं अंडरराइट, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, लाइव आया था मैं, अदानी का लोन अंडरराइट किया है, कितना, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का, 12,720 करोड़ रुपये उनका लोन अंडरराइट किया गया। अंडरराइट का क्या मतलब है, SBI ने लिखकर दे दिया कि ये लोन भर देंगे, हमें जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, और इनको कोई पेनल्टी सरचार्ज इंटरेस्ट ना लगाया जाए। और तो भाई SBI हमारी भी जिम्मेदारी ले लें, हम भी तो भर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम भागने वाले हैं। लेकिन लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा रहा है, लोगों को अनाप शनाप धमकियाँ दी जा रही है, बदतमीजी की, रिकवरी एजेंट ऐसे हो गए सड़क से गाड़ी उठा लेते हैं, घर पे आते हैं गाली गलौज करते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे तक बैठे रहते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। समस्या क्या है, कोई बोलने वाला नहीं है, और लोगों को लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, कर्जे में हूँ। जब हमने ये मिशन चलाया तो लोगों को पता चला मैं अकेला नहीं हूँ भाई, इतने लोग हैं, परेशान हैं, और मैंने सबको जोड़ना शुरू किया। अब आपका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, आप लोग आपस में कनेक्ट रहो, किसी को परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, एक दूसरे का साथ दो। कोई रिकवरी एजेंट आ जाता है, कोई बदतमीजी करता है, धमकी देता है, मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपके पास आया। अब आप गाँव में जाकर लोगों को बताओ, निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, कोई भी पैसा मांगे तुरंत पुलिस कंप्लेंट करो उसकी। ये मिशन पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे, आप में से कुछ लोगों को ज़रूर वित्त मंत्रालय लेकर के जाएंगे, ताकि सरकार को एक्चुअल पता चले समस्या कितनी गंभीर है। सरकार के मंत्री तो ये मान रहे हैं कोई समस्या नहीं आई, भारत की इकोनॉमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोरोना के कारण। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ा, और तब तो पड़ा ही पड़ा, आज भी फ़र्क पड़ रहा है। किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, लोगों से पूछोगे, उनका धंधा जो है 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, व्यापार है ही नहीं। जो व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते थे सालाना, आज उनका बिजनेस 15 लाख 20 लाख रुपए का रह गया है, वो कहते हैं मैं कहाँ से दूंगा, सैलरी देने की भी स्थिति नहीं है। और समस्या क्या, कर्जा ऐसी प्रॉब्लम है, ना सहा जाए ना कहा जाए, किसी को बता भी नहीं सकता इंसान, उसको ये लगता रहता है यार मेरे ऊपर कर्जा है, लोगों को पता चल जाएगा, बदनामी होगी, लोग ये ना सोचें कर्जे में, जबकि समस्या ये हर व्यक्ति कर्जे में। तो डर निकालना पड़ेगा और घबराना नहीं। और सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 साल में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने सुसाइड किया है कर्जे के कारण, और वो सरकार ही ये कह रही है कि कोई कोरोना से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो यानी सरकार गलत जानकारी दे रही है, और सरकार को सही जानकारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है पहुँचाएँ। आपका डाटा वित्त मंत्रालय भेजेंगे, पीएमओ भेजेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आपको ही बुलाएंगे, और एक दिन के लिए अगर दिल्ली आना पड़े तो आ जाना, कम से कम सरकार को ये तो पता चले कितनी परेशानी है। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई लड़ाई झगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, और प्रधानमंत्री कार्यालय पर या वित्त मंत्री जहाँ भी वो बुलाएंगे वहाँ जाके उनसे अपनी बात रखेंगे। डेलीगेशन जाएगा, 100 लोग, 500 लोग, 1,000 लोग, जितने वो बुलाएंगे उतने लोगों को ले जाएंगे।
ताकि कम से कम लोगों को पता चले परेशानी है। बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपकी जानकारी में भी कोई व्यक्ति कर्जे में परेशान है तो उससे भी बताना है कि भैया कोई गलत कदम मत उठाओ, अपना भी फॉर्म भरो और उसे भी फॉर्म भरवाओ, क्योंकि लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे हम सरकार से सिस्टम से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। और बैंक से बात करो, जैसा भाई साहब ने बताया कि बैंक वाले समय भी दे रहे हैं, बात भी करते हैं। आप अगर अपनी स्थिति बताओगे तो बैंक समय देगा, बैंक को भी तो पैसा चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है बैंक बिना पैसे के काम चल जाएगा। और बैंक को ये मालूम है कि अगर लोगों ने पैसा नहीं दिया तो बैंक डूब जाएगा। बैंक को बात करोगे समय देगा, वो 6 महीने का साल भर का समय मांग लो। अगर आपका हाउसिंग लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या कोई भी मॉर्गेज रखा है कुछ भी, तो उसमें 3 महीने तक लगातार बाउंसिंग मत होने देना। अगर 90 डेज तक उसमें पैसा नहीं डलता है तो उसको NPA डिक्लेयर हो जाता है, और NPA डिक्लेयर होने के बाद बैंक के पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। बैंक आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा भी कर सकता है, ऑक्शन भी कर सकता है। अगर फिर भी आपको लग रहा है आपकी इंस्टॉलमेंट देने की स्थिति नहीं है, तो एक रास्ता बता रहा हूँ क्या करो। मानो आपकी इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपये महीना, आपके पास इस महीने 50,000 नहीं है, क्या करना है? 5,000, 10,000, 15,000 जितना भी है उतना ही पैसा अपने लोन अकाउंट में डाल दो। पर्सनल अकाउंट में नहीं, जिससे किस्त कटती है, लोन अकाउंट में, जिसका लोन नंबर है आपका अकाउंट नंबर है उसमें डाल दो। अभी क्या होगा, बाय द रूल ऑफ बैंक वो अकाउंट NPA नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, चाहे भले ही 5,000 आ रहा है। अभी मानो आपका 50,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट जाता है, आपने 5,000 डाला, लेकिन वो NPA डिक्लेयर नहीं कर सकता बैंक, क्योंकि NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1 रुपया भी नहीं आ रहा। इसमें क्या हुआ, आपका 5,000 10,000 आया, अच्छा अगले महीने आपके पास पूरा पैसा आया, पूरा भर दो, जो बचेगा बैंक उसके लिए आपको फ़ोन करता रहेगा, परेशान भी करेगा कि बाकी पैसा डालो, लेकिन NPA नहीं होगा। और जब तक NPA नहीं होगा आपका अकाउंट, तब तक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं हो सकता, बैंक कब्जा नहीं कर सकता। तो अपने अधिकारों को थोड़ा, ये बैंकिंग का रूल है। प्रॉब्लम क्या है, जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम सरकार को करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए आपके अधिकार क्या है, सरकार को बताना चाहिए EMI बाउंस हो जाए तो क्या करना है, बैंक से कैसे बात करनी है, सरकार तो ये काम नहीं कर रही। बैंक को बताना चाहिए कि भाई जब आपकी स्थिति अच्छी थी, जब तभी तो लोन मिला था ना, आपका सिविल चेक किया था, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए थे, सब कुछ देखा था ना, अभी क्या हुआ स्थिति खराब हो गई। आज की स्थिति के बारे में कौन बताएगा, बैंक को आपको ही बताना पड़ेगा जाकर। अपनी स्थिति के बारे में बताओ और लिख करके बताओ, बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन करो तो रिटर्न करना, ओरल नहीं, लेटर भेजो। बैंक क्या करता है, बैंक आपको लेटर भेजता है ना, नोटिस भेजता है, ये भेजता है, आप क्या करते हो, आप फोन पे बात कर लेते हो, बैंक आपको व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है, क्यों करता है, ताकि कोर्ट में वो रिकॉर्ड दिखाएगा, देखो हमने इतनी बार मैसेज किया, इतनी बार व्हाट्सएप किया, इतनी बार लेटर भेजा, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप क्या करो, आप भी उन्हें व्हाट्सएप भेजो, आप भी उन्हें मैसेज भेजो, आप भी उनको लेटर भेजो, आप भी उनको मेल करो, रिकॉर्ड में रखो, ताकि कल को अगर कोर्ट में जाएंगे तो कम से कम आप बता पाओगे, देखो मैंने इतनी बार बैंक को बताया था, मेरा व्यापार बंद हो रहा है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया था, बैंक ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो कोर्ट बैंक के फेवर में नहीं आपकी फेवर में डिसीजन लेगा। बैंक को डांटेगा कोर्ट कि भाई जब एक आदमी बता रहा है भाई मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे विकल्प बताओ, विकल्प व्यक्ति को थोड़ी पता है, बैंक को पता है, तो बैंक ने क्यों नहीं बताया, यानी गलती बैंक की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी। फिर भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, तभी लड़ पाऊंगा जब आप लोग भी इस लड़ाई में साथ देंगे। क्या साथ देना है, खुद फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। अभी जैसे मैंने बताया 2,55,000 लोगों ने आवेदन किया, सोचो अगर हर व्यक्ति 100 लोगों के फॉर्म भरवा दे तो 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ भी हो गए ना तो सरकार को सबका कर्जा माफ़ करना पड़ेगा साहब। तो लड़ाई बड़ी है, लंबी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सफल भी होंगे। बहुत सारे लोगों का अनाप शनाप इंटरेस्ट लगा, वो इंटरेस्ट कम कराएंगे, पेनल्टीज सरचार्ज कम कराएंगे, उसके लिए RBI ने भी एक सर्कुलर अभी जारी किया है, जल्दी हो सकता है कि पेनल्टी सरचार्ज जो लगे वो वापस हो जाए, और हो सकता है जिन्होंने जमा कर दिए वो उनका पैसा मिल जाए। बाकी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जाओ, फाइल नंबर अपने पास रखना, वित्त मंत्रालय से कोई फ़ोन आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, क्लियरली बोलना जो आपकी स्थिति है उसके बारे में, झूठ मत बोलना, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा व्यापार नहीं चल रहा, आपने कहा व्यापार नहीं चल रहा, कोई बात नहीं बता दो भाई मेरा व्यापार कम है, वो कहेंगे हम आके चेक करें, चेक कर लो भाई आके। कोई कहता है मेरी नौकरी छूट गई, वो देख ले जा करके, आपने कहा मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया नहीं चला, तो वो देख लेंगे ना आकर के। अगर सरकार को जेन्युइन लगेगा कि आपकी स्थिति खराब है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी, बस आपने सच बोलना है, और यही बोलना है कि मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरा था, अभियान निःशुल्क है ये भी बताना, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कितना पैसा लिया गया है, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, मेरी टीम को बदनाम करेंगे, पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं सबसे कि ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग कोई पैसा नहीं ले रहे भाई, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहा।
तो कोशिश करूंगा, जैसे मैं आज गोवा में आया हूँ और राज्य में, अभी आप कर्नाटका से आई हैं बहन, तो कर्नाटका आऊँगा मैं, आपके राज्य में अभी आएंगे, मैं पहले भी गया था, बीदर गया था मैं कर्नाटका में, बेंगलोर भी होकर के आया, और भी मैं जगह जाऊँगा, पूरे देश में जाकर के लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि कोई गलत कदम मत उठाओ, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं, लॉकडाउन नोटबंदी जीएसटी के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो सरकार को मदद करनी ही पड़ेगी, एक बार मदद कर दो, मुझे उम्मीद है दोबारा लोग कर्जे की दलदल में नहीं।